भारतीय एयरफोर्स के दो वीर सपूतों ने आज देश को रुला दिया है। भारत के ये सच्चे सपूतों ने आज 2500 लोगों को जान बचा दी, अपनी जान की कुर्बानी लगा के। एक पल के लिए भी नहीं सोचा, जो माँ घर पे इंतजार कर रही है उसकी गोद सुनी हो जाएगी, पिता का सहारा छिन जाएगा, परिवार अनाथ हो जाएगा। दोनों को परिवार की चिंता ही नहीं सताई, बल्कि उन परिवारों की चिंता थी जिनके सर पर मौत का साया मंडरा रहा था। दोनों ने उस मौत को खुद गले लगा लिया और 2500 लोगों को नई जिंदगी दे दी। अदम्य साहस और अद्वितीय बल और कुर्बानी की पूरी कहानी देखेंगे। जहां भी होंगे खड़े होकर दोनों जवानों को सलाम करेंगे। ये कहानी है बाड़मेर की, राजस्थान का बाड़मेर, जो अब से पहले भारतीय एयरफोर्स के कई जवानों की जिंदगी लील चुका है। उसी बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस से गुरुवार रात 9:10 पर ट्रेनर फाइटर जेट MiG-21 बाइसन ने उड़ान भरी थी। चंद मिनटों के अंदर उसमें उड़ान भरते ही आग लग गई। जब फाइटर जेट में आग लगी तो प्लेन एयरबेस से 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा गांव के ऊपर था। जेट उड़ा रहे विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के सामने दो ही रास्ते थे कि वो या तो तुरंत इजेक्ट कर प्लेन को 2500 की आबादी वाले गांव भीमड़ा पर गिरने दें, या अपनी जान कुर्बान कर उसे हर हाल में गांव से दूर ले जाएं। दोनों सैनिकों ने दूसरा विकल्प चुना और अपनी जान दांव पर लगाते हुए जेट को गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर ऐसे सुनसान इलाके में ले गए जहां आबादी नहीं थी, और प्लेन को एक बड़े से रेत के टीले पर क्रैश कर दिया। इस हादसे में हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले विंग कमांडर मोहित राणा और जम्मू के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल दोनों शहीद हो गए। दोनों चाहते तो आराम से हवा में खुद को इजेक्ट कर सुरक्षित कर लेते, लेकिन फिर 2500 लोगों की जान को खतरा हो जाता और शर्तियां सैकड़ों जाने चली जाती। लेकिन माँ भारती के दोनों सच्चे वीर सपूतों ने खुद की जान की परवाह नहीं की और गाँव वालों की जान बचा ली। भारतीय वायुसेना के मुताबिक तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से प्लेन में हवा में ही आग लग गई थी। दोनों पायलट्स को इसका अंदेशा हो गया था, ऐसे में उन्होंने सूझबूझ दिखाई और रेत के टीलों में प्लेन क्रैश कर दिया ताकि किसी और की जान खतरे में ना हो। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां से 3 किलोमीटर दूर तक इसका धमाका सुनाई दिया था। जहां विमान गिरा वहां आसपास के रेत के टीलों में भी भयानक आग लग गई, और दोनों सपूतों ने यह साबित कर दिया कि वो वाकई में सबसे खास थे। अगर आप भी दोनों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उनके लिए श्रद्धांजलि यही होगी कि आप दोनों की शहादत की इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर घर तक पहुंचाएं, ताकि विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल का नाम हमेशा हमेशा के लिए हर देशवासी के दिल में अमर हो जाए। जय हिंद।